नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाना परवीन शान, जानते हैं क्या है खबर। गहराई से सोचो, आपकी जिंदगी का कोच कौन है। अनीता अल्वारेज अमेरिका की एक पेशेवर तैराक है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान परफॉर्म करने के लिए स्विमिंग पूल में जैसे ही छलांग लगाई, वो छलांग लगाते ही पानी के अंदर बेहोश हो गईं। जहां पूरी भीड़ सिर्फ जीत और हार के बारे में सोच रही थी, वहीं उसकी कोच एंड्रिया ने जब देखा कि अनीता एक नियत समय से ज्यादा देर तक पानी के अंदर है, एंड्रिया पल भर के लिए सब कुछ भूल गई कि वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता चल रही है। एक पल भी व्यर्थ न करते हुए एंड्रिया चलती प्रतियोगिता के बीच में ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती हैं। वहां मौजूद हजारों लोग कुछ समझ पाते तब तक एंड्रिया पानी के अंदर अनीता के पास थी। एंड्रिया ने देखा कि अनीता स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बेहोश पड़ी है। ऐसी हालत में न हाथ पैर चला सकती है और न ही मदद मांग सकती है। एंड्रिया ने अनीता को जैसे बाहर निकाला, मौजूद हजारों लोग सन रह गए। एंड्रिया ने अनीता को तो बचा लिया, लेकिन हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हम सबकी जिंदगी से जुड़े हैं, कितनों से रोज मिलते भी होंगे। जो इंसान हर किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता कि असल जिंदगी में वह भी कहीं डूब रहा है, वह भी किसी तकलीफ से गुजर रहा है, वह भी किसी बात को लेकर जिंदगी से परेशान हो रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है। जब इंसान किसी को अपने मन की व्यथा, अपनी परेशानी नहीं बता पाता, तो मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है, सबकी नजरों से दूर एकांत में खुद को चार दीवारी में कैद कर लेता है। ये वक्त ऐसा होता है कि तब इंसान डूब रहा होता है, उसका मोह खत्म हो चुका होता है, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना। ये स्थिति इंसान के लिए सबसे अधिक खतरनाक होती है। जब इंसान अपने डूबने के दौर से गुजर रहा होता है, तब बाकी सब दर्शकों की भांति अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। किसी को ख्याल ना होता है कि एक इंसान किसी बड़ी परेशानी में है। अगर इंसान कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो पहले तो लोगों को ख्याल नहीं आएगा। अगर कुछ को आ भी जाए तो लोग यही सोचेंगे, पहले कितनी बात होती थी, अब वो बदल गया है या फिर उसे घमंड हो गया है या अब तो बड़ा आदमी बन गया है इसलिए बात नहीं करता। जब वो बात नहीं करता तो हम क्यों करें, या फिर ये सोच लेते हैं कि अब दिखाई ना देता है तो वो अपनी जिंदगी में मस्त है इसलिए नहीं दिखाई देता। अनीता पेशेवर तैराक होते हुए डूब सकती है, तो कोई भी अपनी जिंदगी में बुरे दौर से गुजर सकता है, ये समझना जरूरी है। लेकिन उन लोगों से हटकर कोई एक इंसान ऐसा भी होगा जो आपकी मनोस्थिति तुरंत भांप लेगा, उसे बिना कुछ बताए सब पता चल जाएगा, आपकी जिंदगी के हर पहलू पर हमेशा नजर रखेगा, थोड़ा सा भी परेशान हुए तो आपकी परेशानी आकर पूछने लगेगा, आपके व्यवहार को पहचान लेगा, आपको हौसला देगा, आपको सकारात्मक बनाएगा और एंड्रिया की तरह कोच बनकर आपकी जिंदगी को बचा लेगा। हम सबको ऐसे कोच की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोच कोई भी हो सकता है, आपका भाई, बहन, माँ, पापा, आपका कोई दोस्त, आपका कोई हितैषी, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी जो बिना बताए आपके भावों को पढ़ ले और तुरंत एक्शन ले। गहराई से सोचो, आपकी जिंदगी का कोच कौन है। सर्वे भवन्तु सुखीन। दोस्तों, जिनकी यह पोस्ट है उनके विषय में हम नहीं जानते, लेकिन इतना है जो भी इसके लेखक हैं, उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्रश्न छोड़ दिया है जो वास्तव में सोचनीय है। हम सबको इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदर ढूंढना होगा, अपने आसपास ढूंढना होगा, जिससे कि हम अपनी जिंदगी में अपने एक बेहतर और उपयोगी कोच को तलाश सके। आज केवल इतना ही, और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।